राजधानी के कोटपुतली इलाके में जयपुर ग्रामीण पुलिस की मुस्तैदी के चलते हत्या और डकैती की बड़ी वारदात होने से टल गई। एसपी शंकर दत्त शर्मा के नेतृत्व में कोटपुतली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुपारी लेकर हत्या का न्याय अंतर्राज्यीय गैंग के दो हार्डकोर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रभु और दयाल सिंह से पिस्टल के साथ आधा दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों बदमाश गैंगस्टर अंकित भादू के लॉरेंस ग्रुप के सदस्य हैं। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि फरीदकोट जेल में बंद अजमेर निवासी बदमाश भूपेंद्र सिंह की शह पर कोटपुतली के एक व्यापारी की हत्या की सुपारी लेने के बाद दोनों बदमाश इंटरनेट कॉलिंग के जरिए वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों ने करीब 3 दर्जन से ज्यादा डकैती, लूट और 2 हत्या की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। जयपुर ग्रामीण पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और एक कुख्यात बदमाशों का गिरोह का यहाँ पर पर्दाफाश किया, जिनसे भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। खास बात यह है कि एक बदमाश इन बदमाशों ने इतनी दहशत फैला रखी थी कि पंजाब, गुजरात और राजस्थान में दहशत मचाते हुए लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दिया है। किस तरह पूरी कार्रवाई रही है उसको जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर है जयपुर IG एस एंकर साहब, उनसे जानते हैं। सर, किस तरह की पूरी कार्रवाई रही, कैसा गिरोह है, कौन सा गिरोह है? ये गिरफ्तारी तो एक तरह से कह सकता हूँ चांस एनकाउंटर टाइप था। बाई चांस SHO और उनकी टीम ने 2 बदमाशों संदिग्ध लोगों को देखते हुए पकड़ा और पकड़ने के बाद हथियार बरामद हुआ। फिर ढंग से पूछा करने के बाद एक एक चीज़ पता चला। ये लोग इंटरेस्टेड गैंग से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत बड़े गैंगस्टर्स हैं। एक भूपेंद्र सिंह करके अजमेर का रहने वाला जो फरीदकोट जेल में बंद है, और लॉरेंस अंकित बहादुर जैसे गैंगस्टर से भूपेंद्र सिंह का सीधा जुड़ाव है, संपर्क है। और भूपेंद्र सिंह इन लोगों को काम देता रहता था और एक तरह से भूपेंद्र सिंह के कंट्रोल में, नियंत्रण में ये लोग काम कर रहे थे। और इनका कार्यक्षेत्र गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तीनों स्टेट में रहा है और प्लानिंग भी इन तीनों स्टेट में करते रहते थे। सर, यहाँ पर किस मकसद से आए थे कोटपुतली के अंदर? इसमें है कुछ बदमाशों से मिलने के लिए और कुछ जगह रखी करने के लिए आए थे। कुछ वारदात करने के हिसाब से प्लानिंग थी इनकी और कुछ बदमाशों से मिलकर एक प्लानिंग के तहत ही आए थे। और मुझे डिटेल तो अलग से पूरा खुल के बताना ठीक नहीं रहेगा। सर, पूछताछ में खुलासा हुआ है इन्होंने कहाँ कहाँ वारदातें की, किस तरह की वारदातें की, किन वारदातों का खुलासा हुआ है? अहमदाबाद जैसी जगहों पर इन्होंने वारदातें की, जोधपुर में भी इन्होंने वारदातें, किस तरह की वारदात? एक तो गुजरात में वटवा थाना क्षेत्र में एक दिनेश चौहान व्यापारी का मर्डर क्या है, उसके अलावा उदयपुर में प्रताप नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में जो PNB बैंक में बैंक डकैती में लोग लिप्त थे। इसके अलावा अजमेर में एक डस्टर गाड़ी की डकैती हुई थी, लूट कम डकैती, उसमें लोग बांध। इसके अलावा लूट नकबी वारदात तो पहले भी कर चुके हैं, अभी भी कुछ एक वारदात के बारे में बताया, मतलब ढंग से पूछा करना और भी बातें आना चाहिए। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें इंटरेस्टिंग से जुड़े होने से इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा प्लानिंग थी, कई जगह पैसा दे के सुपारी लेके हत्या करने और लूट वगैरह करने की प्लानिंग था। कुछ जगह इन्होंने रखी कर रखी थी, कुछ एक लोग साथ लेने के लिए ही बदमाशों से, क्रिमिनल से संपर्क करने के लिए जा रहे थे और संपर्क करते रहते थे। एक तरह से जो वारदात जितना हो उससे ज़्यादा वारदात होने वाला था, उसे एक तरह से टाइम रहते इनको पकड़े, इसलिए एक तरह से प्रिवेंशन हो गया। तो ये थे हमारे साथ IG संकेसा, जो बता रहे थे कि जो बदमाशों का जो ग्रुप पकड़ा है, 2 बदमाश पकड़े हैं, दयाल और प्रभु, ये अहमदाबाद के अंदर एक मर्डर करके आए थे। इसके अलावा कोटपुतली के अंदर यहाँ पर आने के बाद भी एक व्यापारी को निशाना बनाने की फिराक में थे और एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे थे, मगर उससे पहले ही यहाँ पर जयपुर ग्रामीण SPA शंकर दत्त शर्मा और उनकी जो टीम है उनको इस मामले में सूचना मिली और उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए यहाँ पर दोनों बदमाशों को यहाँ पर दबोच लिया। फिलहाल पुलिस की टीम इनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप का जो है संबंध है वो जो लॉरेंस ग्रुप है उससे भी संबंध है। ऐसे में पूछताछ करने के बाद खुलासा होगा कि किस तरह ये जो ग्रो है अपना नेटवर्क चला रहा था और कहां कहां पर चला रहा था। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादविंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज़।